नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब पाठ सात हिंदी का अभ्यास जब हम करते हैं तो इसका पाठ सात, यह भी एक परीक्षा एकाकी। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक में हमने पाठ समझ लिया है, अब आइडियल में लिखना है, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। पहला विकल्प, बूट पॉलिश वाला जूतों को चमकाकर किसके समान बना देगा? तो उसका ऑप्शन है ए आईना, बी हीरे, सी मोती, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है आईना। दूसरा विकल्प, हाँ कर क्या लेकर चला आ रहा था? तो उसका ऑप्शन है ए फल, बी सब्जी, सी अखबारों का बंडल, डी किताबें। ठीक है, अब तो उसका सही उत्तर है सी अखबारों का बंडल। अब तीसरा विकल्प, चाय वाले से कौन टकरा जाता है? तो उसका ऑप्शन है ए बूट पॉलिश वाला, बी हाकर, सी अखबार वाला, डी अखबार पढ़ता हुआ बालक। तो सही उत्तर है अखबार पढ़ता हुआ बालक। अब चौथा विकल्प, भिखारी की खलजगिया टूट गई थी, तो उसका ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी आंख, सी टांग, डी ना। तो सही उत्तर है सी टांग, भिखारी की टांग टूट गई थी। पांचवा विकल्प है, भिखारी के कटोरे में खलजगिया रुपये थे, तो के भिखारी ना कटोरा में कितना रुपया हता? तो उसका ऑप्शन है ए दो, बी पांच, सी छ, डी सात। तो उसका सही उत्तर है सी छ, भिखारी ना कटोरा में छ रुपया हता। अब छठा विकल्प, देवेंद्र की पाठशाला की परीक्षा वह खलजगिया दिन था, तो उसका ऑप्शन है ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, डी चौथा। देवेंद्र की खलजगिया, देवेंद्र की पाठशाला की परीक्षा का पहला दिन था, बी पहला, सही उत्तर होगा बी पहला। अब सातवां विकल्प, परीक्षा में कौन अनुपस्थित था, એટલે કે પરીક્ષામાં કોણ હાજર નહોતું? તો ઉસકા ઓપ્શન હે એ મહેન્દ્ર, બી સુરેન્દ્ર, સી દેવેન્દ્ર, ડી ઇન્દ્ર। તો સહી ઉત્તર હે સી દેવેન્દ્ર, પરીક્ષા મે દેવેન્દ્ર હાજર નહોતો। આઠવા વિકલ્પ હે, દેવેન્દ્ર કેશા છાત્ર થા, એટલે કે દેવેન્દ્ર કેવો વિદ્યાર્થી હતો? तो उसका ऑप्शन है ए मेघावी, बी कमजोर, सी ईमानदार, डी डरपोक। तो सही उत्तर है ए मेघावी, એટલે કે બુદ્ધિમાન, દેવેન્દ્ર ખૂબ જ હોશિયાર અને બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થી હતો। अब નવમા વિકલ્પ, દેવેન્દ્ર का रोल नंबर कमरा नंबर खाली जगह में था, એટલે કે દેવેન્દ્ર નો रोल नंबर कमरा नंबर એટલે કે रूम नंबर કેટલા માં હતો? तो उसका ऑप्शन है ए तीन, बी पाँच, सी दो, डी चार। तो सही उत्तर है डी चार, देवेंद्र नो रोल नंबर रूम नंबर चार में हतो। ये था पहले प्रश्न, उसके नौ विकल्प। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो खाली जगह पूरो। पहली खाली जगह, बूट पॉलिश वाले ने जूते पॉलिश करने के खाली जगह रुपये बताए, तो सही उत्तर है दो, बूट पॉलिश वाले ने जूते पॉलिश करने के दो रुपये बताए। दूसरी खाली जगह, चाय वाले बालक के हाथों में खाली जगह और खाली जगह थी, तो उसका उत्तर है बाल्टी और केतली। चाय वाले बालक के हाथों में बाल्टी और केतली थी। तीसरी खाली जगह, पिक्चर के टिकट खरीदने में खाली जगह कम थी, तो उसका उत्तर है अठन्नी। पिक्चर के टिकट खरीदने में अठन्नी कम थी। चौथी खाली जगह, सबको देने वाला तो वह खाली जगह है, तो के उत्तर है छतरी वाला, सबको देने वाला तो वह छतरी वाला है।
पांचवी खाली जगह, साइकिल वाला खाली जगह जा रहा था, तो के स्कूल, उसका उत्तर है स्कूल। साइकिल वाला स्कूल जा रहा था। छठी खाली जगह, खाली जगह की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है, तो उसका उत्तर है इंसान। इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। सातवीं, देवेंद्र खलचग्या श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी था, तो के प्रथम, उसका उत्तर प्रथम। देवेंद्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी था। आठवीं खलचग्या, खलचग्या की जिंदगी परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, तो उसका उत्तर है इंसान। इंसान की जिंदगी परीक्षा में बहुत बड़ी और कीमती होती है। ठीक है, ये था दूसरा प्रश्न खाली जगह। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, यह भी एक परीक्षा एकाकी के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर है इस एकाकी के रचनाकार सुरेंद्र अंचल है। दूसरा प्रश्न, यह भी एक परीक्षा एकाकी का प्रथम दृश्य कहाँ का है, तो उसका उत्तर है यह भी एक परीक्षा एकाकी का प्रथम दृश्य एक बाजार का है। तीसरा प्रश्न, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा, तो उसका उत्तर है बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा, मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे दीजिएगा। क्यों तुम्हारा चप्पल बूट जो इन्हें पछी मने पैसा आपजो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चार, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था, એટલે કે ભિખારીના વાટકામાં શું શું હતું। ચોથા પ્રશ્ન હે, ભિખારી કે કટોરે મે ક્યા ક્યા થા, તો ઉસકા ઉત્તર હે ભિખારી કે કટોરે મે કુછ પકોડિયા, અમૃત, રોટી કે ટુકડે ઓર રોજ રેજગારી આદિ હા, એટલે કે ભિખારીના વાટકામાં થોડાક પકોડા, અમૃત એટલે કે જામફળ, રોટલીના ટુકડા, આવું બધું પૈસા આવું બધું હતું। પાંચમા પ્રશ્ન, અંધા ભિખારી કિસ્સે ટકરા કર ગીર ગયા, એટલે કે આંધળો ભિખારી કોની સાથે ટકરાય, એટલે કે ભટકાઈને પડી ગયો, તો ઉસકા ઉત્તર હે અંધા ભિખારી એક સાયકલ વાલે સે ટકરા કર ગીર ગયા, એટલે કે આંધળો ભિખારી સાયકલ વાળા સાથે પટકાઈને પડી ગયો। છઠ્ઠા પ્રશ્ન, ભિખારી કી મદદ કિસને કી, એટલે કે ભિખારીની મદદ કોણે કરી, તો ઉસકા ઉત્તર હે ભિખારી કી મદદ દેવેન્દ્ર નામ કે એક વિદ્યાર્થીને કી, એટલે કે ભિખારીની મદદ દેવેન્દ્ર નામનો વિદ્યાર્થી જે હતો એને કરી। સાતમા પ્રશ્ન, भिखारी ने देवेंद्र को कहाँ बिठाने के लिए कहा, भिखारी देवेंद्र ने क्या बेसाड़वानू कीधु, तो उसका उत्तर भिखारी ने देवेंद्र को सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बिठाने को कहा, एटले भिखारी एने फूटपाथ पर ज्यां झाड़ हतुं झाड़नी नीचे बेसाड़वानू कीधु। आठवा प्रश्न, દેવેન્દ્ર ભિખારી કો અસ્પતાલ ક્યો લે ગયા, એટલે કે દેવેન્દ્ર ભિખારીને હોસ્પિટલે શું કામ લઈ ગયો, તો ઉસકા ઉત્તર દેવેન્દ્ર ભિખારી કો અસ્પતાલ લે ગયા ક્યોંકિ ઉસકે પાંવ મે ચોટ લગી થી ઓર ખૂન બહ રહા થા, એટલે કે એને હોસ્પિટલે દેવેન્દ્ર એટલા માટે લઈ ગયો કે એના પગમાં વાગી ગયું હતું અને લોહી પણ ખૂબ જ નીકળતા હતા। નવમા પ્રશ્ન, यह भी एक परीक्षा एकाकी का दूसरा दृश्य कहाँ का है, એટલે કે यह भी एक परीक्षा આ કહાનીનું બીજું દ્રશ્ય શેનું છે, તો ઉસકા ઉત્તર यह भी एक परीक्षा एकाकी का दूसरा दृश्य विद्यालय में प्राधान्य प्राधानाध्यापक के कक्ष का था,
એટલે કે આ કહાનીનું બીજું દ્રશ્ય વિદ્યાલય સ્કૂલનું જે આચાર્યની ઓફિસ હતી એનું ચિત્ર હતું. દસમા પ્રશ્ન, દેવેન્દ્ર इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था. देवेंद्र इंसानियत मणस ने जे मणस कर्तव्य हो पास थी गयो हतो. कर्तव्य ने धर्म बने साचुत एट पास थी गयो हतो. ये थे प्रश्न एक दो और तीन, विकल्प खाली जगह और एक दो वाक्य प्रश्न. ठीक है, ये आइडियल में जिस चीज़ को बाकी होगा जब मैं PDF भेजूँ तब लिख लेना. अब आज का अभ्यास हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों. ठीक है, नमस्कार.